भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की बॉन्डिंग कितनी मजबूत है, यह किसी से छिपाए नहीं छिपा है। रोको की ये दमदार जोड़ी मैदान पर हिट है। दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को कई बार यादगार जीत दिलाई है। दोनों जब भी साथ में मैदान में होते हैं तो माहौल दिखते ही बनता है। हालांकि निजी कारणों के चलते इंग्लैंड के खिलाफ पहले दो टेस्ट मैच के लिए विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं है। इस बीच कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की। रोहित शर्मा ने विराट कोहली को जुनूनी बताया है। रोहित ने कहा है, विराट कोहली का खेल के प्रति जुनून और समर्पण अद्भुत है। वो हमेशा रनों के लिए भूखे रहते हैं और हर समय टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने आगे कहा है, युवाओं को विराट कोहली और खेल और उनके टीम के लिए जुनून और समर्पण को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीजें पहले हैं कि आप हमेशा भूखे रहते हैं और आप हमेशा जुनूनी रहते हैं, फिर शॉट्स के बारे में तकनीकी पहलू और विभिन्न परिस्थितियों में कैसे खेलना है, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। जियो सिनेमा पर बात करते हुए हिटमैन ने विराट कोहली को लेकर एक और खुलासा किया है। रोहित शर्मा ने कहा है, विराट के बारे में एक बात जो आपने कभी नहीं देखी होगी कि वो कभी किसी रिहैब के लिए NCA में गए हों। वो अपने पूरे करियर में कभी भी NCA नहीं गए, जो आपको उनके बारे में कुछ बताता है। रोहित शर्मा ने विराट के साथ खेलने को लेकर कहा है कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने विराट कोहली को इतने करीब से देखा है। हम बल्लेबाज के तौर पर बात करते रहते हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि वो मैदान के बाहर क्या करते हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली पहले दो टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे, जबकि तीसरे टेस्ट मैच से विराट कोहली की वापसी होगी। पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में चल रहा है, इसके बाद 2 फरवरी से दूसरा टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में होगा, जबकि तीसरा टेस्ट मैच राजकोट में 15 फरवरी से होगा, जहां पर विराट कोहली टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे।